मौसद खुवान और हजरात प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूँ अली मुमताज़ नासी नाच के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तबके के हवाले से कि जिनके बारे में बहुत कम बात होती है और जब भी बात होती है तो मुख्तल सवाल सामने आते हैं बहुत सी कन्फ्यूजनज़ हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सराने देखा मुख्त फ़क्शनस में मौजूद होते हैं सालगरह की तकरीब हो किसी की शादी हो मेहंदी हो या बाजारों में चौराहों पर हमें दिखाई देते हैं और अक्सर हमें अपने मुतालबात के लिए नारे लगाते हुए भी दिखाई देते हैं पर इनकी ज़िंदगी है क्या किस तरह से इस तरफ इस शोबे में ये आए किसने साथ दिया किसने साथ छोड़ा किसने खुशी दी किसने गम दिया इस हवाले से आज हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले शाबानु साहिबा गुरु हैं इन ख्वाजा सराउन की जो हमारे साथ हैं और इसके अलावा हमारे साथ बिल्ली भी हैं पारों हैं और कुछ और भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे शाबानो ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन में कितने अरसे से हैं मुझे तकरीबन पैंतीस साल होगी पैंतीस साल जी पैंतीस साल कितनी उम्र से आपने इस प्रोफेशन को शुरू किया अठारह साल से तो जब आपने इस प्रोफेशन में कदम रखा तो क्या आ, किसी मजबूरी के तहत कोई माली मुश्किल थी कि जिसकी वजह से आपको आना पड़ा या शौक़ था आपका शौक तो कोई नहीं था बेटे के मन और ना माली मजबूरी थी मेरे वालिद उस वक्त ज़िंदा थे मुझे उन्होंने आला तालीम दिलवाई और वापडा में मुझे अपॉइंट करवाया गया लेकिन जो स्टाफ था उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया यहाँ तक कि मुझे मजबूर हो के अपने एस डी ओ पे हाथ उठाना पड़ा और उस केस में जो है मुझे टर्मिनेट कर दिया गया तो फिर पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था पर दर्जा अतम मजबूरी मुझे ये शोभा अपनाना पड़ा आज तक मेरी इतनी एज हो गई आई एम फिफ्टी थ्री इय तो मैंने जो है दिल से इसको कबूल नहीं किया तो जैसे कहते हैं कि कबर का हाल मुर्दा ही जानता है तो मैं अगर ये बातें बहुत लंबी चोरी हो जाएंगी अगर बताऊं अपने बारे में ये इस मुआरे के बारे में आप सब जानते हैं कि ये माशरा हम शी मेल्स खाजा शराहों के साथ क्या सलूक करता है हमें जहनी तौर पे जिसमानी तौर पे हाँ वो बगैर किसी कसूर अच्छा आपने कहा था कि माशरा जो है वो हमें किस तरीके से हमारे साथ पेश आता है लेकिन ये भी क्या दुरुस्त नहीं है कि बहुत से लोग इसमें वो भी शामिल हो चुके हैं कि जो शीमे नहीं हैं पर सिर्फ कमाने के लिए कि जी लोगों से जाकर किसी तकरीब में कुछ ले लेंगे या किसी के घर की खुशी का मौका है तो जाकर कुछ ले लेंगे या हमें मुख्तलिफ़ बाज़ारों में चौराहों पर नज़र आते हैं जी बिल्कुल हैं इस माशरे में काली भेड़ें कहाँ नहीं हैं ये झूठ का कारोबार कहाँ नहीं है मुझे किसी को नामिनेट नहीं करना लेकिन हर शोबे में कुछ काली भेड़े हैं हम लोगों में भी आके ये दो नंबर लोग जो है ना इन लोगों ने जो है हमारी इज्जत में बहुत ज्यादा फर्क डाल दिया है अच्छे बुरे की पहचान नहीं रही और नकली और असली की पहचान नहीं रही तो उनकी वजह से जो ये बदनामी की या गंद के चीटें हम लोगों के ऊपर भी पड़ते हैं अच्छा ये असली ख्वाजा सरा क्या है असली ख्वाजा सरा जो होता है बाई बर्थ होता है और जो नकली हैं वो सब लोगों को पता है तकरीबन दुनिया जानती है तो जिसकी वजह से इनकी कमाई भी होती है अदर लेकिन भा... अब वक्त के साथ साथ जब साइंस तरक्की कर भी चुकी भी है तो बहुत से नकली भी तो अब असली बनते जा, बनते जा रहे हैं, हैं। हाँ कन्वर्ट हो जाते हैं डिलीवर होते हैं बन जाते हैं तो मैंने वो पहले बैठे बात की कि इस माशरे में कहाँ पे दो नंबर ही नहीं है हम जैसे हैं जहाँ पे हैं बस ठीक है अलहमद उस मालिक की जात का करम मजबूर है खुश नहीं है खुश नहीं है अच्छा जी आगे बढ़ते हुए हमारे साथ जो अगली ख्वाजा है आपका नाम बिल्ली है हाँ जी ये नाम आपने क्या इस शोबे में आकर रखा है या पहले से ही आपका यही ओरिजिनल नाम यही है ओरिजिनल हमारा नाम यही शनाख्ती कार्ड बना हुआ नहीं क्यों नहीं बनवाया नहीं मैनू शर्म आंदी आपके घर वालों को मालूम है की हाँ जी अच्छा आप इस शोबे में बचपन से है किन मुश्किल का सामना करना पड़ा बहुत ज्यादा कैसी मुश्किल लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया मैं अपना शहर छोड़ के इधर आ गई अब घर वालों से मुलाकात है उनके साथ ही है या अब उनसे कोई नहीं है लेदा लहदा जब किसी आप फंक्शन में जाती हैं जी तो वहाँ पर लोगों का रवैया आपसे कैसा होता है कुछ का अच्छा भी होता है वे तो कुछ का बहुत बुरा भी होता है बुरा कैसे होता है बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं खेचते हैं कपड़े पाड़ देते हैं बहुत बहुत बुरी बातें करते हैं दुख होता है बहुत दुख होता है पुलिस वाले भी तंग करते हैं पुलिस वाले कल परसों मैंने प्रोग्राम किया उन्होंने मुझे तंग किया था पुलिस वालों ने खुद तंग किया हाँ जी क्या कहते थे उसने क्या सोंड उस वगैरह उतार के ले गया साढ़े न तमीज़ी की उसने जब कभी अकेले तन तं बैठी होती हैं तो उस वक्त आपको अफसोस ये, ये दुख होता है कि जिस तरीके से आपको माशरे में बुलाया जाता है जो कहकर बुलाया जाता है घर वालों से आप दूर हैं अफसोस होता है बहुत अफसोस होता है अफसोस तो है ही आपको लगता है कि आपका इसमें कोई मुस्तकबिल है मतलब अभी आपकी उम्र कितनी है मेरे अट्ठाईस साल अट्ठाईस साल है तो दस साल बाद पंद्रह साल बाद उस वक्त आप क्या करेंगी या उसके बाद मतलब पैंतालीस से ऊपर जब आपकी उम्र होगी तो तब आप क्या करेंगे कुछ भी नहीं है, यही काम करेंगे और वो पैसा भी आप आगे गुरु को देती हैं या वो अपने पास ही नहीं है? हमारे पास ही होता। वो आपके पास होता है जो आपको आपने बताया तीस पैंतीस हजार आप कमा लेती ये वो कमाई है जो आप खुद प्रोग्राम करती आपको फिलहाल कोई नहीं पहुंचती

मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप जाती हैं यकीन कोई तो ऐसा मेला होगा ना ये बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको ये पेशकश करते होंगे जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ किस तरह खुसरे की शादी हो जाती है आप बताइए नहीं होएगी अभी जैसा कि आपके गुरु ने कहा भी कि कुछ ऐसे भी हैं जो शादी भी करते हैं उनके फिर बच्चे भी होते हैं वो तो वैसे नहीं। नहीं। वो तो मर्द नहीं ना वो तो मर्द नर्द नहीं ना है आपने जैसे कि कहा कि बहुत सी काली भेड़े आपके शोबे में भी हैं बिल्कुल। आपके एसोसिएशन भी तो है और पूरे मुल्क में जब भी ख्वाजा की बात होती है तो अलमास बॉबी की बात होती जी। है, कि वो है, जी, जी। है वो सदर तो हैं शीमेल एसोसिएशन जी जी हमारी चेयरपर्सन है ऑल पाकिस्तान शीमेल एसोसिएशन की तो आपके लिए कभी कुछ उन्होंने किया यहाँ आप लोगों ने बस ये सोचा है कि उन्होंने कुछ नहीं करना है जो करना है वो खुद ही से करना है और खुल के बाद कीजिएगा हकीकत क्योंकि इसमें किसी किस्म का कुछ डर खौफ नहीं होना नहीं नहीं डर खौफ अल्लाह ताला का होता है देखिए आज के माशरे में जिसमें हम जी रहे हैं कोई माँ बाप जो है वो अपनी औलाद से जो है वो मुतमिन नहीं है नहीं। तो हमारी कौन सी अपनी पेट की औलाद होती है फिर भी औलाद वालों से हमारे चेले जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन जब ओलाद नाफरमान हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता और बाकी अगर हकूमत का कहें तो हुमत ने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया और ये जो अलमास वो भी हैं या अदरवाइज दूसरे हैं ये सब सियासी बयानबाजी हैं कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता यहाँ रोज अपने लिए कुआं खोदना पड़ता है रोज पानी निकाल के पीना पड़ता है तो मेरी हुकूमत से ये जाना अपील है कि चलो हम लोग तो, जो तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आप का नाम इस्तेमाल करते हुए अलमास बॉबी पैसे बटोर रही हैं माल इकट्ठा कर रही हैं चाहे वो पैसा आ, पाकिस्तान के अंदर किसी एनजीओ से हो या किसी और तरीके से हासिल किया देखिए मेरी बात सुने, मुझे तो ये बिल्कुल मतलब क्लियर पता नहीं है ये सुनी सुनाई बातें होंगी वो भी क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही किसी एक भी ख्वाजा सरा के लिए अगर उन्होंने कोई ओल्ड होस्ट बनाया हो तो सब लोगों की निगाह में होगा मुझे ये बताइएगा आपसे एक दफा फिर बात करेंगे बिली के आप के आपस में झगड़े होते हैं जी बहुत ज्यादा किस बात पर

बस गुरु ऐसी तो गुरु के लिए काम कर रहे हैं ना और गुरु आपने जैसे कि अभी इन्होंने कहा भी कि हमारे लिए ये हमारे बच्चों से बढ़कर रहे हैं। अगर कोई किसी का हकीकी बच्चा हो बेटा हो बेटी हो उससे भी ज्यादा बढ़कर रहे हैं। तो फिर इनको पता क्या मसला है खाने पीने का पहनने का ज्वेलरी का इन अखराजा भी तो खान पीन सारा गुरु का ही होता है ना कपड़े वगैरह नहीं जो तो मैं ला हो जाऊंगी ना फिर गुरु का नहीं होएगा और लेकिन कपड़े फिर भी नहीं देते कपड़े फिर भी नहीं देगी वो देगी कपड़े देगी हाँ। पर कपड़े इस तरह देगी जब मैं पहले पहले जाऊंगी ना उसके साथ पास हाँ। वो फिर कपड़े देगी मुझे अपने कपड़े उतार के अच्छा, देगी आपस में जब झगड़े होते हैं तो दोस्ती भी तो होती होगी ना दूसरे ही ख्वाजा सराओं से हां तो फिर आपस में कभी हुआ कि आपके कपड़े उन्होंने पहने उन्होंने आपके पहने हाँ जी पहन कोई मसला नहीं इस लिहाज से आपस में प्यार है हाँ लेन देन चलता है हो, हो तैयार होने में कितना तैयार हो। कम कम हाँ होने में जी तो उसके लिए कोई खास आप खुद तैयार होते हैं मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जाता है तैयार होते हैं खुद ही होते हैं तो ये आपका हाँ जो है मेकअप है इसका महीने का खर्चा कितना हो जाता है बहुत ज्यादा कितना छोटी छोटी चीज भी कम कम से की कम की हजार की। हजार हो ही तो लड़ाई लड़ाई सिर्फ बातों में होती है या हाथापाई भी होती है हाथों तो पाई भी होती है बातों में भी होती है लड़ाई ज्यादा बातों में लड़ाई होती है चले आगे, आगे आपके साथ पारो बैठी हुई है इनसे भी हम बात करते हैं

माँ बाप कहाँ हैं घर ही हैं आप उनके पास रहते हो या अपने गुरु के पास उधर भी रहते हो गुरु के पास भी रहते हो माँ बाप के अलावा कभी किसी से प्यार हुआ नहीं किसी को आपसे प्यार हुआ हाँ काफ़ी करते हैं कौन लड़के वगैरह लड़के आपसे प्यार करते हैं हाँ। अब जिस तरह मर्दों के बारे में <सिया गुण> या खवातीन के बारे में कहा जाता है कि जी बेवफा होते हैं मर्द बेवफा होते हैं या कोई मर्द कह सकते हैं जी खवातीन या लड़कियां आजकल की बेवफा होती हैं हाँ। ख्वाजा सरा क्या बेवफा होता है ख्वाजा सारा तो नहीं बेवफा हो सकता है क्योंकि क्यों क्योंकि बस खुदागे की कुदरत से हम मैस बना हमने किसी का दिल दुखा हो सकता अक्सर हमारा दिल दुखाते हैं मैं दिल की बात जानना चाहता हूँ कि जो आपके दिल में बात है वह आप सही सही सच कहो कि अगर आपका कभी दिल दुखा है तो कब दुखा है ये दुखता है जब लड़के हम देखते हैं लड़के अपना कारोबार करते हैं अच्छा भला रो कमाते हैं हमारे पीछे सारे हंसते हैं क्या बात है आंखों में आंसू हैं बस परेशानी है। क्या परेशानी है खुल के बताओ क्या बात है परेशानी है कि बस घर वाले भी खुश नहीं है मेरे पीछे नाराज हैं घर वाले हाँ जी। इस काम में आने की वजह से नाराज हाँ जी इस काम की वजह से तो छोड़ क्यों नहीं देते बस नहीं छोड़ सकते हैं बहुत खाया है जितनी मैंने एक मार खाई होगी ना इतनी किसी ने मूर्त नहीं खाई होगी ख्वाजा श्राम में से मार किस तरह से पड़ती थी मार इसकी वजह से इस काम की वजह से घर वाले कहते है। हैं बिस्ती सारे लोग हम पे आजते हैं पूरा मल तो जब रोने को जी जाता है तो इंसान अपने घर वालों में किसी के कंधे पर सर रख के अपना गम जो है अपना दुख हल्का कर लेता है दिल की बढ़ास निकाल लेता है हाँ जी। तो जब आप पर ऐसी कोई कैफियत होती है तो आप क्या करती हैं बस अकेले में ही होती हूँ। कोई साथ नहीं होता नहीं किसके साथ नहीं है साथ। करता। तो इस काम को छोड़ कर कभी कोई दूसरा काम करने का सोचा हाँ सोचा है कैसा काम यही कोई होना जाए। लेकिन चूंकि इस काम में इतना अर्सा हो गया है तो यही सब सीख लिया तो कुछ और करना मुमकिन नहीं है ऐसे ये कोशिश करती हूँ कि मैं कोई हुनर सीख लूँ तो बेहतर है ज़िंदगी सवर जाएगी ठीक बहुत शुक्रिया नाजिन प्रोग्राम की इब्तदा में हमने शाहबानो साहिबा से जो गुरु हैं उनसे बात हुई बिल्ली से और पारों से इनसे हमारी मज़ीद गुतगु जारी रहेगी कुछ मज़ीद ख्वाजा शरा हमें जॉइन करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि उनके दिल का हाल क्या है उनको किन मुश्किल का सामना है और क्या कुछ देखने को मिलता है क्या कुछ सुनने को मिलता है इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद आपको कैसा शोहर चाहिए आप जैसा <laughs> मज़ीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्रा सराओं के हवाले से उनकी ज़िंदगी का अहवाल जिन मुश्किल का कर सामना करना पड़ा और आज जब हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है तो वो किस तरीके से उनका गुजर बसर हो रहा है इस पर मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ ख्वर सरा के गुरु शाहबानो पहले भी मौजूद थे अभी ब्रेक के बाद भी हमारे साथ हैं इसके अलावा तानिया हैं निशा हैं और किरण ने हमें ज्वाइन किया है आप से एक दफ़ा फिर मैं शुरू करूँगा मुझे ये बताइए कि ये बहुत से हल्कों में अक्सर इस पर बात होती है कि ख़्र का जनाजा कैसे होता है नमाज कैसे पढ़ते हैं आप इसकी तफसील बताइए देखिए बेटा कि कोई भी इंसान जो माँ के पेट से पैदा होता है चाहे वो दुनिया में आके सांस लेता है या नहीं लेता उसकी जिन्स पे डिपेंड नहीं करता उसका जनाजा होता है हमें भी माँ ही जन्म देती हैं हमें दरख्तों से तोड़ के नहीं लाते ये सब लोगों के अफसाने हैं मन गलत बातें हैं मैंने खुद बहुत सारे ख्वाज असरों का जनाजा खुद पढ़ा है और अलहमद उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके जो हम लोग दसवें का और या चालीसवें वग़ैरह का ख़त्म दिलवाते हैं ये बताएं ख्रा सराओं का जनाजा भी ख्रा सरा ही पढ़ाएगा जैसे कि दूसरे मौलवी पढ़ाते हैं वैसे ही ख्वाजा सरा हाँ गसल हम लोग खुद देते हैं ख्वाजा सरा की मैय को कफना के फिर हम लोग मर्दों के हवाले कर देते हैं और जो पढ़े लिखे ख्वाजा सरा हैं जो मज़हब के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो मर्दाना कपड़ों में साथ जाते हैं और नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं और ऐसा नहीं है कि रात की तारीखी में नहीं ही ये सब, जाता है एक दफा आगे बढ़ते हुए जी तानिया ख्वाजा सराओं को बदनाम भी बहुत ज्यादा किया गया है तो ख्वाजा सरा क्या जो कमाते हैं वो अपनी मेहनत का मुख्तल सिर्फ प्रोग्राम्स में जाकर वहीं से जो उनको आमदनी होती है वही आमदन है उनकी ये और तरीके भी हैं और और तरीके क्या हैं ये जो अक्सर हमने चौराहों पर देखा है बाजारों में देखा है आकर मांगते हैं और ये भी कहा जाता है कि जी अगर आप इनको नहीं देंगे तो किसी ख्वाजा सरा की अगर आपको बदवा लग गई तो उसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें आगाज़ हम करें या उधर से हो इब्तदा बरसों गुज़र गए यही सोचते हुए आपने जो बात की है मांगने की ठीक है तो कई ऐसे शीमिल्स हैं ठीक है जो अपनी उम्र से ढल जाते हैं ठीक है उनकी उम्र नहीं होती नाचने की गाने की ठीक है हकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीव नहीं है हम हम हाकुमत की तरफ़ से हमें कोई भी रिलीव नहीं है तो इस वजह से जो लोग कमा नहीं सकते नाच नहीं सकते गा नहीं सकते

इसी पर अपना काम चलाते हैं ख्वाजा सराज होते हैं अंदर से औरत औरत का रूप जो समझते हैं अपने आप को औरत का दूसरा रूप समझते हैं ठीक है और औरतें जो हैं वो मजदूरी नहीं करती ठीक है ना? नहीं, तो, बहुत सी औरतें भट्टों पे काम करती हैं क्यों नहीं करती लेकिन मेरी बात सुने उस चीज़ उस हम नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी नहीं कर सकते ठीक है करने की कोशिश नहीं की कभी आप। हाँ करने की कोशिश भी नहीं करते और जो न, अंदर से जो इंसान जैसा होता है वैसे ही वो दिखना चाहता है ठीक है हम भी अपने आप को औरत समझते हैं ठीक है और चाहते हैं कि हम औरतों औरतों की तरह नजर आएं औरतों की तरह लिबास पहने मेकअप करें ठीक है और ऐसी चांदी औरतें होंगी जो इस तरह के काम काम कहीं ऐसा तो नहीं है कि औरत चूंकि होती नहीं है लिहाजा हर वक्त औरत जैसा दिखना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि हर वक्त उन्होंने कपड़े वैसे पहने हुए हों हाथ साफ हों अंगूठी पहनी हुई हो जेवर पहना हुआ हो बाल बने हुए हों मेकअप किया हुआ हो क्योंकि वो होती नहीं है औरत इतना ज़रूरी क्यों है औरत दिखना मर्द दिखना भी तो इतना ज़रूरी नहीं है ना जब मैं छोटी सी थी तो मैं स्कूल जाती थी ठीक है मेरे घर वालों ने मुझे छुपाने की कोशिश की कि ये हाईलाइट ना हो सके लोग इसको पहचान नहीं सकें कि ये क्या है ठीक है लेकिन जब मैं सिक्स में गई ठीक है हाई एजुकेशन में तो वहीं से मुझे होट करना शुरू हो गए तुम चलते कैसे हो लड़कियों की तरह चल रहे हो बैठे लड़कियों की तरह हो जब इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं तो कोई भी ख्वाजा सरा अगर मज़दूरी करेगा तो क्या गारंटी है कि उसको वहाँ पे होट नहीं किया जाएगा जब इस तरह की कितनी तालीम हासिल की आपने मैंने एफए किया है एफ़ हाँ जी अच्छा ये बताइए कि आपने जो तालीम हासिल की आपने कहा आपने एफ़ ए किया हुआ है तो पाँचवीं के बाद से आगे तक आप लड़कियों के स्कूल या कॉलेज में पढ़ी या लड़कों के स्कूल कॉलेज में पढ़ी जी मैंने आपको बताया ना कि मेरे घर वाले मुझे छुपाना चाहते थे मुझे लड़कों की तरह दिखाना चाहते थे क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था ठीक है मेरे अलावा मेरी तीन सिस्टर्स हैं ठीक है तो उनका उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये ये लड़कों की तरह लगे ताकि हमें लड़के की कमी महसूस ना हो ठीक है लेकिन उसके बावजूद जब मैंने हाई एजुकेशन शुरू की छठी के बाद ठीक है तो लड़के मुझे तंग करना शुरू हुए कोई मुझे मैडम कहे कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे तो लड़कों के स्कूल जाती थी हाँ जी हाँ। तो मैट्रिक तक मैंने लड़कों के स्कूल में ही पढ़ाया ठीक है, है? हाँ। और दो क्लासेस जो है ना मैंने इनकी जेर निगरानी पढ़ी है ठीक है ये मेरी गुरु हैं ठीक है? है और बहुत काबिल एहतराम है, है मेरी हाँ। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम अगर अच्छा काम करना भी चाहें ना तो मुशरा में करना करने नहीं देता। तो इसका मतलब है कि लड़कों से आपकी अच्छी खासी दोस्ती भी रही होगी सी बात है अब भी है अब भी है लड़कों से ज्यादा है लड़कियों की नस्बत हाँ लड़कों से ज्यादा है क्योंकि मेल जोल ज़्यादा लड़कों से होता है तो ज्यादा दोस्ती भी लड़कों से होगी लड़कियों को कभी दोस्त बनाना जरूरी नहीं समझा नहीं बस एक समझ लेके बाजों की हद तक लेकिन एक लड़की की क्या दिल की कैफियत होती है वो कैसे सोचती है ये सब तो तभी आपको पता चलेगा ना कि अगर आप उनके करीब रहेंगी अगर आप मर्दों के ही ज़्यादा करीब रहेंगी तो फिर आपकी सोच आप दिखने में तो एक लड़की या औरत लगेंगी लेकिन सोच फिर आपकी मर्दों वाली होगी फीलिंग्स यहाँ तक सवाल है फीलिंग्स का तो वो तो हमारी लड़कियों की तरह ही होती है ना जिस तरह एक लड़की अपने आप को समझती है कि मुझे मुस्तबिल में मुझे इस तरह का मेरी शादी हो जाए या मुझे इस तरह का खामन मिले या मुझे इस तरह का जो है ना माहौल मिले या मुझे इस तरह का ससुराल मिले हमारी ख्वाहिशात भी वैसी होती हैं आपको कैसा शोहर चाहिए आप जैसा <laughs> <laughs> अच्छा <laughs> आपसे पहले जब बिल्ली से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जी ख्र सरा की शादी होती है मुझसे उन्होंने बल्कि सवाल पूछा मैंने कहा आप बताएं तो आपने अपनी आपने ख्वाहिश का इजहार किया कि जी शादी हो शौहर हो बच्चे हो फैमिली हो तो फिर वो जो कह रही थी वो क्या था और आप जो कह रही हैं ये क्या हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले बड़े निकले मेरे अरमा मगर फिर भी वो कम निकले ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान के अंदर जो ख्वाहिशात हों वो पूरी भी हो जाए अगर आपको ऐसा शोहर मिल जाए आपने कहा आपको शादी करनी है इरादा है ख्वाहिश है आपकी और हजारों ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी है हाँ जी। तो अगर आपको आपका शोहर कह दे कि ये काम छोड़ दो घर पे बैठ जाओ ये मजीद नहीं चलेगा तो फिर क्या करेंगे फाइंड अप छोड़ देंगे हाँ जी और वो जो गुरु से आपकी बरसों की मोहब्बत है जो उनकी खिदमत है जो उनसे लगाव है वो सब कहाँ जाएगा काम करने से या घर में बैठ रहने से मोहब्बत तो कम नहीं हो सकती ना मोहब्बत तो दिलों में होती है मोहब्बत का ताल्लुक काम से नहीं होता और दूसरी बात मैंने अपनी ख्वाहिश का हिजाज जरूर किया है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी शादी हो जाए ठीक है अच्छा इसके बारे में कोई किसने मना किया हमारे दीन ने मना किया है दिन इस चीज़ की इजाजत नहीं देता कि हम शादी कर सकें इसीलिए आपने अभी लफ्ज यूज किया आपने उस वक्त तो कह दिया शादी का और फिर मैंने आपसे सवाल पूछा तो बात फिर आगे निकली वरना आपने जो लफ्ज अभी इस्तेमाल किया बॉयफ्रेंड मुझे लगता है कि आपका इसी पर यकीन है कि बॉयफ्रेंड ही रखना चाहिए तो कितने बॉयफ्रेंड्स हैं आपके एक बेस्ट क्या करता है बस जमीन है उसकी अपनी कितने अरसे से जानती हैं तीन साल से आप उसके लिए क्या कर सकती हैं जरूरी नहीं कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ पहले सोचना तो यह मेरे लिए क्या कर सकता है नाजिन हमारी गुफ्तगु जारी है वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ख्वाजा सरा से ये जारी रहेगा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद ये ख्वाजा सराओं की सुना है कि बोली भी लगती है दस दस लाख तक ही जाते हैं दस लाख लाख हाँ जी जीम ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदी प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में आपने क्वर सरा की ज़िंदगी के हवाले से कुछ दिलचस्प वाकत सुने मजीद वाकत पर बात करते हैं हमारे साथ गुरु शाह बानो तो मौजूद हैं ये किस हद तक दुरुस्त है कि मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जब लोगों को जा उनकी गाड़ी का शीशा खटखटा के या कहीं कहीं खड़ा होगा तो उसे कहेंगे कि जी कुछ दे दो हमें दुआएँ देंगे अल्लाह तुम्हें खुश रखे अल्लाह तुम्हें कारोबार तुम्हें कारोबार में तरक्की हो और तुम खूब नाम कमाओ ये दुआएं देते हैं लेकिन जब कोई नहीं देता तो ये कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो बद भी दी जाएगी और एक ख्वाजा सरा की बद से बचो दुआ और बद तो हर एक की कबूल होती है जो सच्चे दिल से दुआ की जाए वो भी अल्लाह ताला कबूल करता है और जो दिल टूटे टूटे हुए दिल की बद है वो भी अल्लाह जरूर सुनते हैं ठीक है और किसी को भी हर्ट करना जब कोई किसी को हर्ट करता है मसलन हमें तो हर रोज ही हर्ट किया जाता है ठीक है अब फर्ज करें हम यहाँ से यहाँ से निकलेंगी ठीक है तो आप ही देख लीजिएगा ठीक है जब हम रोड पे चल रहे होंगे तो कैसी कैसी आवाज़ें आएंगी किस किस तरह से हम हम पे जुमले कसे जाएंगे आप ये समझें कि हम टूटे हुए दिल के इंसान हैं ठीक है हम मोहब्बत चाहते हैं हम केयर चाहते हैं लोगों की तरफ से हम जो है ना अपनी जो है ना अहमियत चाहते हैं माशरे में एक मुकाम चाहते हैं हमें सिर्फ आप ये कहना चाह रही हैं कि आप में प्यार कूट कूट के भरा हुआ जी है। बिल्कुल मोहब्बत कूट -कूट के भरी हुई है नफरत के करीब से भी नहीं गुजरती जी बिल्कुल कभी किसी की फैंटी लगाई <laughs> 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 नहीं, नहीं, नहीं।, <laughs> नहीं लेकिन गुस्सा तो आता होगा जुबान उससे से मैं गुस्सा जो मैं? है ना दूर कर ले क्या कहती हैं बस गुस्से में एक नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है आपको भी गाली देती हैं दिल करता है किसी का कत्ल कर दूं बस बहुत कुछ बोल जाती हूं जो कि बताना नामुमकिन है निशा

किसी महफिल में जाएं जहां पर किसी और गुरु के ख्वाजा सराज चेले आए हुए हों तो एक दूसरे को देख के कि वो कौन कितना दिखने में अच्छा है सबसे पहले आप क्या देखती हैं एक दूसरे में कुछ भी नहीं बस उनकी ड्रेसिंग बस परफॉर्मेंस ठीक है सबसे खामोश आप में किरण बैठी हुई मैं ज़रा किरण से बात कर लूँ किरण आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने बाकी सबसे पूछा है कि आप इस शोबे में अपनी खुशी से हैं या मजबूरी से हैं किसी को खुशी होती है किसी को मजबूरी होती है मुझे तो बहुत ज़्यादा मजबूरी थी मजबूरी मेरा माँ प्यो गरीब था मेरे दो भाई ने एक भाई बहुत नशा करता था साढ़े घर रोटी खान नहीं है ऐसी इस वजह तो मैं बाहर जाती थी लोग मुझे जनाना जनाना करते बोलते थे मैं इस शोबे में आ गई मैं अपना घर बनाया अपने आदि अम्मी अबन सवारा अपना घर बनाया खान वह चीज़ दिखती सब कुछ अपने घर में मौजूद रखा ठीक है आप चूँकि जाते हैं मुख्तलिफ़ फशंस में तो वहाँ पर आप जाकर परफॉर्म भी करते हैं जी तो एक आर्टिस्ट हैं आप ख़ुद भी जी फनकार हैं आप जी और, और भी बहुत से ख्वाजा शरा हमारे मुल्क में हैं जी कोई एक ऐसा हो कि जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप कहें कि ऐसा मुझे बनना है जिस मकाम पर ये है मुझे उस मकाम पर पहुँचना है इंसान की कोशिश तो होती है पर ना इंसान अपने ग्रीमान में जाग लेता है ना पहले हम उस पर नहीं पहुँच सकते थे हम कोशिश तो जरूर करते हैं पर ना कामयाब नहीं होते इन सब में सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन है सब भी मुझे मेरे साबी अच्छे हैं सबसे अच्छा क्योंकि एक बता दो ये मेरा गुरु है ये भी अच्छा है वो मेरी सहेलियाँ वो भी अच्छी सहेलियों में सबसे अच्छा कौन है सबसे अच्छा सब निशा लगती है निशा जी क्या खास बात है निशा में बस मुझे अच्छी लगती उसके अच्छी अच्छी है उसके अच्छे-अच्छे बातें अच्छी लगती है बस आ, बिल्ली पसंद नहीं है ये मेरा गुरु है ये तो बात ही हो रहा है ना गुरु तो वहाँ पे होता है ना हम्म। आपकी उम्र कितनी है बाईस साल इनकी अट्ठाईस साल है जी आपके गुरु है ना ये हाँ जी अच्छा तो आपको तानिया के बारे में क्या ख्याल है वो भी अच्छी है खरी खरी सुना देती हूँ अगर कभी किसी को सुनानी हो तो नहीं चले आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आप पर कोई फिदा हुआ बहुत ज्यादा कौन <coughs> मेरा दोस्त है दोस्त है जी उसके लिए कुछ भी कर सकती पहले हो पहले माँ पे होगी सोचांगी उससे उसकी किसी से दोस्ती का मैार क्या है उसके पास पैसा होना चाहिए या पैसा पैसा जान वाली चीज़ है दोस्ती में पैसा नहीं चलता फिर क्या दोस्ती है? में प्यार चलता है वो मेरी इज्जत करे मैं उसकी इज्जत करूँ पैसा अपनी थांते, दोस्ती अपनी थांते। क्योंकि असि अपनी घर बार छ इसलिए छोड़ ता कि असी अच्छा कमा सकी अच्छा पा सकी अपने घर का सोचिए अपने घर दोचने बाद दोस्त ने उन्होंशन नहीं है वो साज्जत करनी अ इज्जत करने कोई सियासतदान पसंद है फिलहाल कोई नहीं आपको इमरान खान पसंद है जरदारी साहब पसंद हैं नवाज शरीफ साहब पसंद हैं शहबाज शरीफ साहब पसंद हैं। मुझे तो बेनजीर पसंद चतानिया आप बताइए कि आपको सियासतदानों में कोई सियासतदान पसंद है पर्सनल तौर पर मुझे कोई भी पसंद नहीं है कोई भी पसंद हाँ। कोई ऐसा नहीं है जो आपकी नज़रों को भाया हो कोई भी नहीं बेनजी थी कभी किसी सियासतदान के फंक्शन पर गई आप नहीं कभी ऐसा नहीं नहीं हुआ आ, नहीं हुआ जो आपसे पैसों का वादा करते हैं कि जी हम आप आइए आपको में इतने पैसे देंगे कभी ऐसा हुआ है कि जितने पैसों का वादा किया हो उतने ना दिए हो या दिए ही ना और कहा भाग जाओ अक्सर औकात ऐसा होता है जब प्रोग्राम का एंड होता है तो जिसने वादा किया होता है वो हमें मिलता ही नहीं है तो फिर क्या बदवा देती हैं फिर क्या कहना है फिर ना 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 खुल के बताइए क्या बदवा देंगे नहीं इतनी आवाज़ में उधर बदवाए देंगे तो उधर तो उन्हीं के सब रिलेटिव होंगे ना ठीक है ना

किसी ने किया या खुद से किया मैं खुद ही किया किसके लिए किया दोस्त के पास आपको लगा कि आपने गलती की प्यार करके पछता भी रही हैं ना निशानों को देख के मर्द बेवफा होते हैं जी किरण आपका भी ये ख्याल है मर्द बेवफा होते हैं मुझे तो नहीं लगता क्योंकि इंसान खुद में भी कुछ खामियां होती हैं है ना इंसान की लड़ाई बनने कुछ खामी होती है ना इंसान खुद अच्छा हो तो अगला कोई अच्छा पागल नहीं है उसके सिर में कोई किसी ने इतनी मार दी कि वो फजूल लड़ाई करे या फसलू फजूल को गाल करे ठीक है एक दफ़ा फिर जब शाहबानों से हम आखिर में बात करते हैं मुझे ये बताइए कि आपने आ, अपने हकूक़ की बात की मैंने अलमास बॉबी के हवाले से आपसे सवाल पूछा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया तो आप भी तो अपनी जो एसोसिएशन है शीमेल एसोसिएशन है उनके ज़रिए आप अपने मुतालबात आगे आ, हुकाम तक पहुँचा सकते हैं जो ताकत के एहवानों में बैठे हैं उन तक पहुँचा सकते हैं कि आपको आपके हकूक़ दिए जाएँ जो आपके मुतालबात हैं उन पर तवज्जो दी जाए मैं अपनी चेयरपर्सन अलमास बोबी की इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक पहचान दी पूरे पाकिस्तान में ख्वाजा की कोई इज्जत नहीं थी जब से वो चेयरपर्सन बनी हैं तो हम लोगों पे ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पिंडी वाला एरिया उधर जो है पुलिस वाले कोई किसी किस्म का हमारे साथ वो ज्यादती नहीं कर सकते उनकी वजह से जो है हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली है और सुनने में आया है कि अलमासूबी साहबा कर रही हैं कुछ इन आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें कामयाबाल मतलब खाज रहा के लिए मुलाजमतों का भी कोटा हो और ओल्ड होसेस जैसे कि ख्वाजा सराब बूढ़े हो जाते हैं बेदाय भीख मांगने के तो उनके लिए ओल्ड हाउसेस होने चाहिए वहाँ इनको रखा जाए हुकूमत की सरपरस्ती में या मुखिर हजरात उनकी हेल्प करें तो इन शह ये रोडों पर भीख मांगते हुए नज़र नहीं आएंगे और इनको कार आमद बनाया जा सकता है बेकार तो मेरे रब रब्ताला ने कोई चीज़ भी नहीं बनाई अच्छा इसमें एक और एक इंटरेस्टिंग बात जो जी जी। आ, मेरी समाधतों तक पहुंची वो मैं तानिया आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ख्वाजा सराओं की सुना है कि बोली भी लगती है फर्स करे मैं इनके पास रह रही हूँ ठीक है तो ऑलरेडी मैं इनका चेला हूँ ठीक है, है? इनसे आगे चली जाती हूँ तो ये मेरा उनसे पच्चीस सौ रुपया लेंगे सिर्फ दो हजार हाँ ये फिक्स है नहीं जैसा कि अभी आज ही मैंने सुना कि आपकी कोई पंचायत भी चल रही है जी और वहां पे खासा झगड़ा चल रहा है किसी बात पर वो झगड़ा क्या है ये कैसे झगड़े होते हैं वो झगड़ा ये है कि जिसका ये झगड़ा चल रहा है ना तो उसने अपने गुरु से काफी पैसे भी लिए होंगे उसके कपड़े भी पहने होंगे उसका मेकअप भी यूज किया होगा काफी चीजें का हाँ, तो, उसकी खराब तो तो की दो ढाई लाख की गुरु ने अगले गुरु के पास भेज दिया हाँ जी और भेजते हुए कहा कि जी इतनी अमाउंट मेरी तरफ बनती है बिल्कुल आप कपड़े भी हैं या खाना पीना है या जेवर है या मेकअप का सामान बिल्कुल बिल्कुल पांच लाख तक भी कोई आ, सरा जा सकता है दस दस लाख तक भी जाते हैं दस लाख हाँ जी दस लाख कोई जितना नुकसान करेगा अपने गुरु का उतना ही फर्ज करें कि अगर मैं इनके पास रह रही हूँ तो मुझ पर कोई मुसीबत आ जाती है अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ना करे तो ये मुझ पर पैसे लगाती हैं ठीक है तो मैं जब आगे जाऊँगी तो इनका हक बनता है कि वो पैसे मुझसे ले लें तो फिर डायरेक्ट मुझसे नहीं लेंगी ये मेरी उस अगली गुरु से लेंगी बहुत शुक्रिया नाज़न आज के प्रोग्राम में आपने गुफ्तु सुनी ख्वाजा सराओं की कि किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्या सोच है क्या ख्याल हैं मुस्तबिल को कैसा देखते हैं और माशरे में इनको किस तरह से बुलाया जाता है और जो इनके हवाले से मुख्तल लोगों के जहन में सवाल थे कि जी इनका जनाजा नहीं होता या जनाजा अगर कोई पढ़ता है तो ख्वाजा सरा ही पढ़ा सकता है यहाँ रात की तारीख़ी में दफना दिया जाता है ये तमाम सवाल भी थे जो हमने आज के प्रोग्राम में पूछे और आखिर में मुतालबा भी किया गया कि हमें भी सरकारी नौकरियां दी जाएं जिस तरह से अभी सिंध में दी गई हैं और उसमें फिर वज़ी अजम पाकिस्तान मीएम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से अपील भी की गई इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त इन शाला आपकी ख़िदमत में जल्द फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अला न

mm <laughs>